सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी एक और थ्योरी ने किया है सभी को सोचने पर मजबूर। क्या सुशांत के स्टाफ दे रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट? आखिर क्या है सुशांत के निधन का 13 जून से कनेक्शन? आइए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत का निधन आखिरकार कैसे हुआ। इसका पता सीबीआई हर एंगल से लगा रही है। सुशांत 14 जून को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। अब इस केस की जांच में नई बात सामने आ रही है जो कुछ गड़बड़ होने का इशारा कर रही है। सीबीआई सोर्सेस के मुताबिक सुशांत ने 13 जून दोपहर बाद से ही कोई फोन और मैसेज रिसीव नहीं किए हैं। सुशांत की बहन मीतू भी ये बात पहले कह चुकी है कि 14 जून की सुबह सुशांत ने उनका फोन नहीं उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत का निधन कैसे हुआ ये बात अभी तक रहस्य बनी हुई है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई सोर्सेस ने बताया कि 13 जून से ही सुशांत मैसेज, कॉल या चैट का जवाब नहीं दे रहे थे। वहीं सुशांत के पड़ोसी भी बता चुके हैं कि 13 को उनके घर की लाइट जल्दी बंद हो गई थी। सुशांत की रिपोर्ट में भी उनके निधन का टाइम ना दर्ज होने की बात पर सवाल उठ रहे हैं। सुशांत के कुक नीरज ने बताया था कि 14 जून वाले दिन सुबह सुशांत को नारियल जूस दिया गया था, जबकि लेटेस्ट पीएम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत का ब्लैडर खाली था। बताया जा रहा है कि सुशांत के टैलेंट मैनेजर ने उन्हें 13 जून को दोपहर 2:22 पर बात की थी। वहीं 14 जून के बारे में दीपेश सावंत ने बयान दिया था कि उन्हें शक हुआ और वो 10:30 से लेकर 1 तक सुशांत का दरवाजा खटखटाते रहे। इतना ही नहीं, अब खबरें ये भी है कि सुशांत का निधन उनके फ्लैट पर नहीं बल्कि उनकी लोनावला के फार्म हाउस पर हुआ था। जी हाँ, कुछ सोर्सेज के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनका निधन फार्म हाउस में हुआ, जिसके बाद उनके बॉडी को उनके मुंबई वाले फ्लैट में लाया गया। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। वेल, अब सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक अब सुशांत केस में ये 13 जून और 14 जून का चक्कर बार बार परेशान कर रहा है। साथ ही बता दें कि सीबीआई ने सुशांत के निधन की वजह पता लगाने के लिए एम्स के मेडिकल टीम की भी मदद ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सितंबर को अहम मीटिंग होगी दूसरी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस केस में ड्रग एंगल से जांच कर रहा है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत सहित कई ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखना ये होगा कि इतने सारे थ्योरीज के बाद इस केस में कौन सी चीजें सच है और कौन सी झूठ। फिलहाल आप हमें बताएं इस वीडियो पर आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।